बचपन से मैंने तीन चीज़ें सुनी है जो कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज इंडिया में रहते हुए मुझे लगता है इस लिस्ट में एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, साफ हवा। हमने हमेशा से ही इसको फॉर ग्रांटेड लिया है और अब हमें इसके लिए लड़ना पड़ रहा है। आई नो इस प्रॉब्लम को तुमने हर जगह देख लिया होगा, सुन लिया होगा, फील भी कर लिया होगा, हर जगह बस यही बात है। बट मैं इस चीज़ का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि क्या हम इसके बारे में कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। इस वीडियो से मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को बताऊँ कि उन्हें क्या करना चाहिए या फिर चाइना ने क्या किया था, क्योंकि ऑनेस्टली उस सब के लिए टाइम नहीं है। हमें अभी आज इस मोमेंट पे सॉल्यूशन चाहिए। तो मेनली मैं उस बारे में बात करूँगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। इस वीडियो में मैं तीन एज ग्रुप्स के बारे में बात करूंगा, न्यूबॉर्न, मिडिल एज और ओल्ड एज, कि इन सभी को एयर पॉल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है और हम एज ए फैमिली अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं अभी। मैंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स, अफोर्डेबल सॉल्यूशंस निकाले हैं जो कि मैं तुम्हारे साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। बट ये सब बताने से पहले ये बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो ये है वहाँ की एयर क्वालिटी इस टाइम जहाँ पर अभी मैं रहता हूँ, ये 500 है। एप्पल की वेदर ऐप 500 AQI पर कैप है, इससे ऊपर एप्पल की वेदर ऐप दिखा ही नहीं सकती AQI। मतलब ऐप डेवलपर ने भी नहीं सोचा होगा कि इससे ऊपर कभी AQI जा पाएगा। और ये है न्यू दिल्ली का AQI 353, जो कि इनके हिसाब से बहुत ही पुअर है। और वो हमें भी पता है कि रियलिटी क्या है, गवर्नमेंट अपने वाटर टैंकर्स के साथ AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस के पास क्या कर रही है, वो हम सब ने देखा है। वहां पर लगातार पानी डाला जा रहा है जिससे डस्ट सेटल हो जाए और रीडिंग्स कम आए। मतलब जो हमें डेटा दिया जा रहा है उस पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। और रियलिटी ये है कि मैंने AQI मीटर से AQI चेक किया तो वो हमेशा ही 800 से 1000 के बीच में रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्केरी है और हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। रुको, अभी बात करते हैं कि हम एक्चुअली में सांस क्या ले रहे हैं। तो एयर पॉल्यूशन सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये एक मिक्सचर है बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स और गैसेस का। पहली और सबसे बड़ी चीज़ है पार्टिकुलेट मैटर, जैसे कि PM10 और PM2.5। तो PM2.5 का मतलब है जो पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं, यानी कि ये लाल वाला जो तुम देख रहे हो, और हमारा हेयर भी 70 माइक्रोमीटर्स का होता है। तो तुम सोच ही सकते हो ये कितना छोटा है। और ये इतने छोटे होते हैं कि ये तुम्हारे सांस लेने से लंग्स में जाते हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम्स में, हार्ट में, ब्रेन में और हर जगह। और फिर आते हैं PM10, जो पार्टिकल्स तुम्हारे लंग्स में जाकर अटक जाते हैं और लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं। इस वीडियो में तुमने अब तक एक चीज़ तो नोटिस की ही होगी, मतलब उससे पहले में भी की थी, उससे पिछले में भी और पहले भी, म्यूजिक। और म्यूजिक अच्छा है तो वीडियो खुद ही 50% अच्छी हो जाती है। बट सबसे बड़ी मुसीबत है ये म्यूजिक ढूंढना। ब्राउजर में जाओ, सर्च करो, डाउनलोड करो, फिर इंपोर्ट करो, और वो भी तब जब कोई अच्छा म्यूजिक मिले। इसलिए मेरे पास तो है एपिडेमिक साउंड। ये एक मस्ट यूज वेबसाइट है हर क्रिएटर के लिए। और आओ एक कूल चीज दिखाऊं, एपिडेमिक साउंड का एक्सटेंशन मैं अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो में यूज कर सकता हूं। यहां पर वीडियो के मूड के हिसाब से म्यूजिक सर्च किया, यहीं पर प्रीव्यू सुन लिया और जितना पार्ट तुम्हें चाहिए सिर्फ उतना सिलेक्ट करो, इंपोर्ट टू टाइमलाइन पे क्लिक किया। कोई ब्राउजर स्विचिंग नहीं, कोई डाउनलोडिंग नहीं। इस लाइब्रेरी में 50,000 प्रीमियम ट्रैक्स है जो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और ये सभी रियल आर्टिस्ट ने बनाए हैं। और यहाँ पर 2,00,000 से ज्यादा साउंड इफेक्ट्स भी है। मतलब मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई साउंड इफेक्ट चाहिए और परफेक्टली वैसा ना मिला हो। हर एक साउंड इफेक्ट के बहुत सारे वर्जन है, तुम्हें माउस क्लिक चाहिए, कीबोर्ड साउंड चाहिए, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। नो कॉपीराइट स्ट्राइक, वर्ल्ड वाइड पब्लिश करो, मोनेटाइज करो, टेंशन फ्री। मेरी हर एक वीडियो में और हर एक क्लाइंट की वीडियो में मैंने एपिडेमिक म्यूजिक ही यूज किया है, क्योंकि म्यूजिक और साउंड इफेक्ट ऐसी चीज है जो कि तुम्हारी वीडियो को या तो बिगाड़ सकता है या बना सकता है। तो अगर तुम भी अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो थोड़ा तो 50% मैं भी तुम्हें ऑफ दिला सकता हूँ पूरे साल के लिए। बस कोड रचित यूज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कि ये पार्टिकल्स आ कहां से रहे हैं। तो ये है पूरा पाई चार्ट, तुम देख सकते हो यहाँ पर दिल्ली में, मेनली दिल्ली में अगर हम बात करें तो 35-45% पॉल्यूशन व्हीकल्स से आता है। यहाँ पर करोड़ों गाड़ियाँ हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पेट्रोल, डीजल्स, इवन पुराने व्हीकल भी यहाँ पर अभी तक भी बहुत हैं। दूसरा जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती वो है कंस्ट्रक्शन और डस्ट।
तुमने देखा होगा, हर गली में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होती रहती है, उसके ऊपर कोई भी नियम कानून नहीं है, कोई भी कहीं भी रोड पर मिट्टी डाल देता है, कंस्ट्रक्शन करने का कोई भी टाइम नहीं है। इवन बाहर के देशों में जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उसको अच्छे से कवर किया जाता है जिससे नॉइस और एयर पोल्यूशन दोनों ना हो, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और ये स्मोक और डस्ट उड़कर तुम्हारे घरों के अंदर तक आती है। तुम दो दिन अपने घर में डस्टिंग ना करो और इस तरह करके देखो तो तुम्हारी उंगलियों पे ऐसे धूल दिखाई देगी। तो क्या सिर्फ ये धूल तुम अपने चीजों पर देख रहे हो? नहीं, ये हमारे सांस लेने के साथ हमारे अंदर तक जाती है। ये बहुत बड़ा रीजन है जिससे हमें थ्रोट में दिक्कत होती है, हमें आंखों में जलन होती है, इवन तुम्हें अगर हेडेक भी हो रहा है तो वो भी पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। ये पार्टिकल्स अगर तुम्हारे ब्लड में मिल जाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ना बहुत ही कॉमन है और लॉन्ग टर्म में तुम्हें हार्ट अटैक या फिर अस्थमा भी हो सकता है। फिर एक पार्ट है इसका स्टबल बर्निंग, जो कि पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा होता है नवंबर और अक्टूबर के टाइम पर। हमेशा गवर्नमेंट इसी चीज़ को बहुत बड़ा रीज़न बताती है, बट ये सिर्फ 5-8% है और ये सिर्फ इसी सीज़न में होता है। बाकी अगर तुम्हें लगेगा कि सर्दियों में पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा नहीं है। सर्दियों में क्या होता है कि हमारे एटमोसफेयर में ऐसे 3 लेयर्स बन जाती है, जहाँ पर नीचे सरफेस पे कोल्ड हवाएं चलती रहेगी और ऊपर भी ऐसे ही कोल्ड हवाएं चलती रहेगी, लेकिन बीच में यहाँ पर गर्म हवाएं रहेंगी और इसी एरिया में और इसी लेयर में रहता है पॉल्यूशन। तो इसलिए हमें सर्दियों में विजिबिलिटी बहुत ही लो दिखाई देती है, खासकर रात में। और नहीं, अगर तुम सोच रहे हो कि वो फॉग है तो वो फॉग नहीं है, वो एयर पॉल्यूशन ही है। फिर उसके बाद दिवाली को भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के लिए ब्लेम किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। दिवाली के नेक्स्ट डे ही पॉल्यूशन वापस से फिर उतना ही मेंटेन हो जाता है, या लगभग 1-2 दिन में वापस से उतना ही मेंटेन हो जाता है। बट मेनली दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेली होती हैं और एयर पॉल्यूशन में बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। पहला मैंने तुम्हें बता दिया, व्हीकल इमिशन, और दूसरा है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सभी एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स रिलीज कर रहे हैं। और ये जितना पेपर्स पर नंबर दिखाया जाता है उससे रियलिटी में बहुत ज़्यादा है। नाउ अब बात करते हैं एज वाइज लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है और हम कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं। सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न से लेकर जो कि 10 साल तक के हैं, क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, लंग्स ग्रो कर रहे होते हैं, बॉडी डेवलप हो रही होती है। सबसे पहला इफेक्ट होता है इन्फेक्शन, बच्चों में कफ कोल्ड एक्सट्रीमली कॉमन हो गया है, एलर्जीज, स्किन एलर्जीज, साइनस, आई इरिटेशन, मतलब जिन बीमारियों को हमारे पेरेंट्स ये कह देते हैं कि मौसम चेंज होने की वजह से है, वो पॉल्यूशन की वजह से। और ये सब तो शॉर्ट टर्म में इफ़ेक्ट करता है अगर आप कुछ दिन के लिए इस एरिया में हैं, बट लॉन्ग टर्म ये और भी ज़्यादा बच्चों पर इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि रीसेंट स्टडीज़ में पता लगा है कि 2.5 PM वाले पार्टिकल्स ब्रेन डेवलपमेंट को स्लो कर देते हैं, इससे IQ लेवल इफेक्ट होता है और ब्रेन डेवलपमेंट पर इम्पेक्ट पड़ता है। दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि लंग कैपेसिटी रिडक्शन, यानी कि उनकी लंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिससे पूरी लाइफ के लिए लंग्स वीक रहेंगे। कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर पैदा हो रहा है और 10 साल अगर यहीं पर रहता है तो इम्यूनिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो हमेशा वीक रहेगा, बार बार बीमार पड़ेगा। उसके बाद आते हैं मिडल एज एडल्ट्स, जिसमें हम और हमारे पेरेंट्स आते हैं, जो कि कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घंटों ट्रैफिक में बिताते हैं। पॉल्यूशन में एक्सपोज रहने से सबसे पहली चीज़ होती है क्रॉनिक फटीग, जो कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम काम कर रहे हो इस वजह से थक चुके हो, लेकिन नहीं, अगर तुम जल्दी थक जा रहे हो तो इसमें पॉल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तुम्हारी बॉडी तुम्हें रेस्ट करने के लिए या फिर डिटॉक्सिफाई करने के लिए कह रही है। हेडेक और माइग्रेन तो बहुत ही कॉमन है अगर AQI 300 प्लस हो जाता है, जो कि हमेशा ही रहता है। आंख में इरिटेशन होगी, स्किन प्रॉब्लम्स होंगी, और लॉन्ग टर्म में ब्लड से रिलेटेड कोई भी तुम्हें बीमारी है तो उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ तक कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लंग डिजीज और लंग कैंसर भी हो सकता है। और दिल्ली में तो नॉन स्मोकर लंग कैंसर केसेस भी बढ़ रहे हैं, और इसका रीजन सिर्फ एक ही है, एयर पॉल्यूशन। और मैं जो ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा हूँ इसमें अगर तुम नॉर्थ NCR एरिया में रहते हो तो तुम्हारी लाइफ 9-10 साल कम हो सकती है यहाँ पर रहने से, 9-10 साल। और अब आता है सबसे वल्नरेबल ग्रुप आफ्टर चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, यानी कि हमारे दादा दादी, जो लोग 50 से ऊपर हैं,
वो सब। उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, ऑर्गन स्ट्रेन में होते हैं। अगर उनको पहले से कोई बीमारी है जैसे कि अस्थमा या फिर कोई हार्ट डिजीज, तो उनके लिए पॉल्यूशन सबसे ज्यादा खराब है। पॉल्यूशन में रहने से कोई भी बीमारी होगी तो उसका रिकवरी टाइम बहुत ही स्लो हो जाएगा। सैड रियलिटी ये है कि पॉल्यूशन डायरेक्टली रिलेटेड है प्रीमैच्योर डेथ्स के लिए फॉर एल्डरली पॉपुलेशन। अब आता है मेन सॉल्यूशन पे कि आप प्रैक्टिकली क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने घर के अंदर की एयर क्वालिटी को कंट्रोल करना, उसको बेटर करना। तो एयर प्योरीफायर एक मस्ट इन्वेस्टमेंट है। आई नो ये 10,000 से लेकर 50,000 तक आते हैं, और कौन सा एयर प्योरीफायर लेना चाहिए ये ब्रांड से ज़्यादा आपके रूम साइज पर डिपेंड करता है कि आपका रूम साइज क्या है। अगर आप अपने बेडरूम में एयर प्योरीफायर लगा रहे हो, जो कि लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 7 से 8 घंटे सो रहे हो, और अगर वो हवा बहुत ही खराब है तो आप सोते हुए भी अपना नुकसान कर रहे हैं। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि कौन सा ब्रांड का लें कौन सा नहीं लें, लेकिन अगर आप बेडरूम के लिए देख रहे हैं तो ये वाला Xiaomi का एयर प्योरीफायर तुम देख सकते हो, और एक इससे भी बड़ा आता है। मैं लिंक्स दे दूंगा, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है या फिर स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं दो रीजन की वजह से ये सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम खुद यूज कर रहे हैं, और दूसरी बात हमेशा आपको 6 से 8 महीने में इसके फिल्टर्स चेंज करने होंगे। तो आप किसी भी ब्रांड का ले लेंगे तो फिल्टर्स ढूंढने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी, लेकिन Xiaomi के फिल्टर्स आपको इजीली मिल जाते हैं। तो किसी भी ऐसी बकवास ब्रांड का एयर प्योरीफायर लेकर आप उसमें फिल्टर ही ना चेंज कर पाओ 6 से 8 महीने बाद, और तुम्हारे सारे ही पैसे वेस्ट हो जाएं। उससे अच्छा ऐसी ब्रांड का एयर प्योरीफायर लो जिसके आप फिल्टर्स चेंज कर पाओ। और एयर प्योरीफायर में आपका ब्रांड जरूरी नहीं है, आपका फिल्टर हेपा होना चाहिए। हेपा फिल्टर्स ही आपको 2.5 और 10 माइक्रोमीटर्स वाले पार्टिकल से बचाते हैं, और ये ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो आपका फिल्टर है वो ट्रू हेपा होना बहुत जरूरी है, एंड ये चीज आपके बच्चों के और बड़ों के रूम्स में होनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे तो ये एक ही रूम में 2-3 भी लगा सकते हैं अगर आपका रूम बड़ा है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, बट ये इस टाइम पर मस्ट है। मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग DIY फिल्टर्स भी बना रहे थे कि सिर्फ फिल्टर लिया और उसके ऊपर एक फ़ैन लगा दिया और उसको भी आप एज एयर प्योरीफायर यूज़ कर सकते हो। तो वो बताना चाहूँगा कि हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये सेम वही चीज़ करता है। मैं दिखा देता हूँ, या कोई और भी प्योरीफायर सेम ही चीज़ करता है। यहाँ पर ये है इसका हेपा फिल्टर, ये देखिए कितना कितना गंदा हो चुका है कुछ दिनों में ही, और ये बस इसका आउटर केस है। यहाँ पर ये जो मशीन है ये तुम देख रहे हो, ये फैन है जो कि इसके थ्रू हवा इनटेक करती है, हेपा फिल्टर से फिल्टर करती है, और फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर फिल्टर्ड हवा भेजती है। तो इस मशीन में से फ़ैन लगा हुआ है। ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे फ़ैन के साथ साथ और भी सेंसर्स मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर रीडिंग बताएगा, बाहर का टेम्परेचर बताएगा, अंदर का टेम्परेचर बताएगा। तो वो सब आप पैसे बचाकर एक फिल्टर के ऊपर ऐसे कोई भी फ़ैन लगा दें तो वो सेम ही काम करेगा। तो हाँ, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बजट में थोड़ा काम करना चाह रहे हैं तो। अब बात करते हैं कि अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो क्या कर सकते हैं। मास्क बहुत ज़रूरी है अगर तुम बाहर जा रहे हो तो, और नॉर्मल वाला मास्क नहीं, वो सिर्फ आपको बैक्टीरिया से बचाएगा। लेकिन N95 और N99 वाले मास्क आप यूज़ करें, क्योंकि वही सिर्फ तुम्हें PM2.5 से बचा सकते हैं। मास्क कब कब पहनना है? जब AQI आपका 200 से ऊपर हो। दूसरा, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट के पास हो तब आप मास्क पहनो। और तीसरा, अगर आप आउटडोर रनिंग के लिए जाते हो तो पहले एक बार AQI चेक कर लो, तभी आउटडोर रनिंग के लिए जाओ, नहीं तो इंडोर ही रनिंग करो। मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, ये भी आपके लिए अभी सही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रहता है। लेकिन अगर आप 6-7 बजे से पहले जा रहे हो तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर पॉल्यूशन इतना नहीं रहता है। लेकिन अगर आप उसके बाद जाते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसका और ज़्यादा नुकसान है। उससे बेटर आप इंडोर जिम में जा सकते हैं या फिर अपने घर पर रनिंग या फिर ट्रेडमिल कर सकते हैं। अगर आपने एयर प्योरीफायर अपने रूम में लगा लिया है तो कमरे को सील रखो अच्छे से, लेकिन दिन में आधा घंटा एक घंटा रूम को खोल दिया करो हवा सर्कुलेट होने के लिए, एंड उसके बाद अपना एयर प्योरीफायर तुम यूज़ कर सकते हो। कार में जाते हो तो एयर सर्कुलेशन मोड ऑन करो जिससे बाहर की हवा अंदर ना आ पाए। मेट्रो फिर भी एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाते हो। अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो N95 मास्क यूज़ करें, और उसके ऊपर हेलमेट जितना बच सकते हैं उतना बचें, और जिम ज्वाइन करो इंस्टेड ऑफ आउटडोर रनिंग। इंडोर फिर भी सेफ है। बाकी अगर आपके घर में पेरेंट्स है और सभी एल्डरली लोगों के लिए एक एयर प्योरीफायर रूम में मस्ट है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं इस क्राइसिस के टाइम पर। हम ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये पॉल्यूशन है, क्या ही कर सकते हैं।
बट ये एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन जब तक सिस्टम लेवल पर चेंजेस नहीं आते, कोई पॉलिसीज नहीं आती, गवर्नमेंट जब तक कोई एक्शन नहीं लेती, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है वो एक अलग डिस्कशन है, बट अभी तुम क्या कर सकते हो वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योर फैमिली।